बुआ जी भैया, अभी मैं अपने बालकनी में से और इधर सामने से मैं बैठ कर देख रहा था, तो यहाँ सामने से भाई मंझा जा रहा था और मंझा देखते भाई इतनी अच्छी सुंदर इतना मौसम आ गया कि देखने के बाद इतना मन करने लगा पतंग उड़ाने का, क्या कहा जाए। फिर आप देख रहे हो इतने सारे मंझे यहाँ, ऐसे नहीं दिख रहे होंगे, ये देख रहे भैया घीच घीच उतार उतार करके एकदम पागल हो गया मैं, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, हवा इतनी ज़ोर की है कि पतंग यहाँ पर मिल ही नहीं पाई। देख रहे हो ये मंझा उस तरफ जा रहा है, और ये था कि ये मेरे घर से यहाँ पे गई, यहाँ तो पिलर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से ठीक इसके सामने से ऐसे जा रहा था, और ये रहा पाइप मेरे एसी का। ये पाइप मैंने गोल गोल घुमा के रैप करके वो उस पर ऐसे, ये देखो ये ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे फेंका, ये हो करके मेरे पास चला आया। अब सब कुछ हो चुका है, तो भैया इसको इसकी जगह पर लगा दिया जाए, नहीं तो पानी भाई साहब लगे गए था उधर कितने। चलो भैया ये पाइप लग गया भाई साहब, हवा इतनी ज़ोरदार चल रही कि मज़ा आ जा रहा है, ये पूरा मंझा फैल चुका है। अभी थोड़ी देर में हवा चलेगी तो उस बैठ के गिर भी जाएगा, ये तो देखो उठना शुरू कर दिया ये। इसको ऐसा ना मैं लगे हाथ गिरा ही देता हूँ, सही रहेगा। जा भैया, पतंग मिली नहीं तो भाई साहब मंझे का क्या काम। पतंग मिलती तो यार थोड़ा एक्साइटमेंट भी होती। दांत से काट दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग पे। और यह घर से काम मिल गया है, कपड़ा प्रेस कराना है। तो यह है कपड़ा, पास में ही दुकान है, चली चलते हैं कपड़ा वपड़ा प्रेस करवाते हैं और फिर देखते हैं। देखो भैया धूप इतनी चौचक निकल गई ना, क्या कहा जाए, एकदम तगड़ी वाली चटक धूप बोलते हैं इसको। ये है कि तुरंत तुरंत वो क्या कहते हैं छांव भी आ जा रही तुरंत।